नमस्कार दोस्तों, आपकी चैनल इंडियाज अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज 16 सितंबर है, आज विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो आज विश्व ओजोन दिवस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में लोगों को ओजोन परत से होने वाले फायदे व ओजोन क्षय के बारे में जागरूकता फैलाना है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अब जानते हैं विश्व ओजोन दिवस की शुरुआत कब हुई थी। ओजोन परत के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर 1994 को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए साल 1987 में बनाए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा किए जाने के एक साल बाद 1995 में पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। तभी से लगातार 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब जानते हैं विश्व ओजोन दिवस 2019 के लिए थीम। विश्व ओजोन दिवस 2019 की थीम 32 साल और हीलिंग 32 ईयर्स एंड हीलिंग है। इस थीम के जरिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विश्व भर के देशों द्वारा ओजोन परत के संरक्षण तथा जलवायु की रक्षा हेतु 3 दशकों से किए गए उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों का जश्न मनाया जाएगा। अब जानते हैं ओजोन परत की खोज कब हुई थी। तो ओजोन परत की खोज फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने साल 1913 में की थी। ओजोन गैस की एक ऐसी परत है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। यह हल्के नीले रंग की गैस होती है जो मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है और पृथ्वी के जीवों के जीवन की रक्षा करने में अपना योगदान देती है। अब जानते हैं पराबैंगनी किरणों से होने वाले दुष्प्रभाव। तो पराबैंगनी किरणें सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली किरणें हैं। पराबैंगनी किरणों से चर्म रोग, कैंसर, मोतियाबिंद के अतिरिक्त शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ये किरणें समुद्र में छोटे छोटे पौधों को भी प्रभावित करती हैं, जिससे मछलियों और अन्य प्राणियों की मात्रा भी कम हो सकती है। पराबैंगनी किरणें पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी प्रभावित करती हैं। अब जानते हैं ओजोन क्षय के बारे में। हमारे द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फॉम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि जैसे पदार्थों से निकलने वाली गैसें CFC, हेलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि गैसें हैं। इनकी वजह से ओजोन की परत धीरे धीरे पतली हो रही है, जो कि हम सबके लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये परत पतली होगी तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचेंगी और हम सबको नुकसान पहुंचाएंगी। तो दोस्तों ये ओजोन दिवस के ऊपर ये वीडियो थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।